हाँ दोस्तों मेरा नाम देव अग्रवाल है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ एस और एच मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर है और क्यों हमें एस ही ख़रीदना चाहिए आज के डेट में अगर कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर बन जाओ फिर तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना चाहते हैं या आप कोई एक नया लैपटॉप देख रहे हैं अमेजान पे ख़रीदने के आप सोच में हैं आप उसकी स्पेसिफिकेशन को ढूंढ रहे हैं और आप वहाँ पे एक शब्द देखते हैं हाँ ड्राइव की जगह पर एस एच डी टू या वन टी बी या फिर या हार्ड ड्राइव आप देख रहे हैं जिसको हम वन टी हार्ड ड्राइव या फाइव हंड्रेड या वन जो हार्ड ड्राइव होती है वो अगर आप देख रहे हैं सो so, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका फ़ायदा ही हो और एस को आप थोड़ा बेटर समझ जाएँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत टेक्निकल व्यू से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने इसके कुछ एडवांस एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको यहाँ बताया बताने की मैंने कोशिश की है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में एस भी यूज़ की है और एच भी यूज़ की है तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ एच हार्ड ड्राइव की दोस्तों ये ट्रेडिशनल स्टोरेज ड्रवाइव है ये एक मैकेनिकल ड्राइव है आपने मैकेनिकल का नाम तो सुना अब मैकेनिकल मतलब इसके अंदर कॉपर की वारे यूज की गई है इसके अंदर एक डिक्स लगी हुई है एक लेंसेज के थ्रू इसका डाटा ट्रांसफर होता है और बेसिकली इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लैटर्स का हम नाम दे सकते हैं तो तो जिसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो फ्लैटर्स के थ्रू होता है जिसका डाटा रेट जो स्पीड होती है वो आर में देखी जाती है जैसे कि अगर हम बात करें आर uh, की तो फाइव थाउजेंड या आपको स्पीड में देखने को मिलेगी 7200 थाउजेंड की इस तरह से आपको यहाँ पे स्पीड आपको देखने को मिलती है क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है इसलिए हार्ड ड्राइव मैं आपको आज के डेट में लेने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि आज के डेट की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे हो गई है और कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल ड्राइव से हट कर, हम एक फ्लैश स्टोरेज ड्राइव में आ चुके हैं तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेज क्या है अगर मान लीजिए एक हार्ड ड्राइव के एक हार्ड डिस्क ड्राइव के एडवांटेज भी हो तो वो क्या होंगे तो सबसे पहला एडवांटेज है ये काफी सस्ती होती है मतलब बहुत ज्यादा आपको सस्ती मिल जाएंगी और दूसरी अगर हम बात करें कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है मतलब ये आपको एट टी की भी मिल जाएगी टेन टी की मिल जाएगी ट्वेल्व टी या उसके ऊपर भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है और तीसरी अगर हम बात करें ये ईजिली आपको हर जगह पे मिल जाती हैं आप किसी अपनी कंप्यूटर की शॉप में चले जाइए या आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए तो ये आपको हर जगह देखने को मिल सकती हैं तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा हैं तो ये सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट में से पूछते हैं सर हमें अपने कंप्यूटर में एस एस डी लगाऊँ या एच डी डी लगाऊँ तो सर ये एस एस डी होता है क्या है और क्यों लगाना होता है तो हमें एच डी डी सबसे पहले ये पता करना है कि क्यों नहीं लगाना है सो so, दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये मैकेनिकल डिवाइस है मैकेनिकल डिवाइस होने की वजह से इसके अंदर जो कंपोनेंट या जो भी वायरिंग या जो डिस्क यूज़ की गई है अगर उसमें स्क्रेचेज आ जाए सो तो वो बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं है मतलब बहुत हद तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं हम इसमें डाटा क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक होते हैं एज कंपेयर अदर हार्ड ड्राइव की अगर बात करें एज कंपेयर अगर ड्राइव की बात करें तो दूसरे अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा साल तक इसकी लाइफ नहीं होती है पाँच से छः साल वो भी डिपेंड ऑन योर वर्क कि आप किस तरह से उसको वर्क कर रहे हैं तीसरी अगर हम बात करें अगर आपने इसको गलती से गिरा दिया या आपने सीपीयू गिरा दिया या इसका किसी प्रकार से इस पर दबाव या धक्का लगा तो ये ड्राइव का जो डाटा है वो है वो क्रैश हो सकता क्योंकि बेसिकली डिस्क पर ही सब कुछ टिका हुआ है सारी चीज डिस्क और उसके लेंस पर टिकी हुई है सो अगर हम चौथी चीज की बात करें मैकेनिकल डैमेज जैसे कि मैंने बोला कि क्रैश होने के मैकेनिकल डैमेज अगर गिर गया तो आपका डाटा क्रैश हो सकता है और अगर हम बात करें स्पीड इसमें इतनी नहीं मिल अगर स्पीड की बात करूं तो 20 से 40 एमबी का जो रेसो होता है वो सिर्फ देखने को मिलता है जो कि आज की डेट में बहुत ही कम है और जैसे आपको पता है कि इंटरनेट ही इतना अच्छा आजकल आता है दस एम बी एमबीपीएस हो गया पचास या सौ एमबीपीएस तो एक कोई भी अच्छा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो प्रोवाइड ही करवा देता है उस टाइम पे हमको इंटरनेट से डाउनलोडिंग से ज्यादा तो उस समय अगर हमको इंटरनेट में डाउनलोडिंग से कम स्पीड हमको ड्राइव में ट्रांसफर रेट के मिल रहे हैं तो ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो क्योंकि हार्ड ड्राइविंग मैकेनिकल है सो तो ये बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा खाता है और आपकी ये बैटरी आपकी लैपटॉप की बैटरी लाइफ को ये कम कर सकता है और अगर मैं इसकी टेम्परेचर की बात करूं तो ये दोस्तों 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर इसमें डाटा क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये डैमेज हो सकता है अगर पावर कंस्टप्शन की बात कर लो तो ये क्योंकि मैकेनिकल चीज है इसमें कॉपर की बार और बहुत सारी चीजें यूज की गई हैं जो वजह जिस वजह

की रैम बनती है वैसे ही जैसे कि रैम बनती है वैसे ही उसी टेक्नोलॉजी से इस एस को बनाया जाता है अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहली बात इसकी स्पीड बहुत हाई होती है अब जैसे कि मैंने बताया कि एच में जो स्पीड आती है वो आपको मिलेगी ट्वेंटी टू फोर्टी तो दोस्तों यहां पे जो आपको एस में स्पीड देखने को मिलेगी वो मिनिमम टू से टू नाइनटी से फाइव टू सिक्स आपको एम बी देखने को मिलता जो कि बहुत गुना अधिक है एच डी डी के कंपेयर करके कंपेयर करें तो और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये एक इम्पैक्ट रजिस्टेंस है मतलब ये गिरने पर बहुत हद तक बहुत ही माइनर केस है कि ये गिरने पर या इस पर दबाव या धक्का पड़ने पर इसका डाटा क्रैश हो जाए और पावर कंसप्शन भी बहुत कम होता है इसका क्योंकि इसके अंदर कुछ इस प्रकार के मूविंग कंपोनेंट या मूविंग पार्ट नहीं लगे होते हैं अगर मैं लाइव की बात करूं तो नो no डाउट इसका लाइव बहुत ज्यादा होता है दस बीस या बीस से भी ऊपर यह भी डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर और बैटरी लाइफ भी ये बहुत अच्छी रखते आपकी इससे आपसे लैपटॉप की भी बैटरी काफी इनहेंस होती है अगर मैं बात करूँ दो टेम्परेचर कीचर भी ये सेवनटी टू एट्टी डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है जो की एक बहुत मैक्मम टेम्परेचर होता है इतना कभी भी टेम्परेचर आमतौर पर नहीं रहता है दूसरी बात सबसे अच्छी बात ये काफी स्लिम होता है ये मतलब आजकल के जितने भी लैपटॉप आपने देख रहे होंगे जो स्लिम आ रहे हैं जैसे मैकबुक हो गए तो वो ज्यादातर एस का यूज कर रहे हैं रीजन क्योंकि वो काफी स्लिम होता है हार्ड ड्राइव की तुलना में वो इतना मोटा और अलग से कुछ अलग मैकेनिकल ड्राइव जैसा वो दिखाई नहीं देता है तो दोस्तों अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं एक टर्म्स और टेक्निकल लेना चाहता हूं कि एस एस एच डी क्या होता है वट इज एस एस एच डी बहुत सारे लोग पूछते होंगे सर ये एस एस एच डी क्या लिखा हुआ है सो दोस्तों ये होता है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव होता है ये कुछ नए लैपटॉप में आता है इसमें क्या चीज होती क्या क्या है कंपनी ने इसमें क्या किया कि वन टीवी का हार्ड ड्राइव के साथ में 16 या आठ जीबी का उन्होंने एस को इंक्लूड किया है ताकि आपके कंप्यूटर को थोड़ी अच्छी स्पीड मिल सके तो आई होप कि आपको SSHD का मतलब समझ में आया हो सो so, दोस्तों ये सारे जो तो मैंने बात की एडवांटेज की अब मैं बात करता हूं एस के डिसएडवांटेज की सो so, एस का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये बनता है कि बहुत महंगी होती है जी यहाँ पर आपको वन टीबी की जो हार्ड ड्राइव की अगर एच की बात करूं तो वो आपको वन टीबी तीन से चार में मिल जाती है अच्छी कंपनी की पर अगर मैं बात करूं एस की तो वो आपको 9000 से 16-15000 तक आपको देखने को मिलती है अच्छा उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस होता है क्योंकि इसमें कैश मेमोरी को बहुत ज़्यादा हद तक समझा जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कैश मेमोरी बताने वाला हूँ कि एक एस में कैश मेमोरी को क्यों हमें इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है डिसएडवांटेज की बात करूं तो लो कैपेसिटी होती है मतलब ये हार्ड डिस्क ड्राइव की मतलब ये हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में इसकी कैपेसिटी लो होती है जैसे कि मैंने बताया है कि एच में हार्ड ड्राइव आपको आठ टी टेन टी या उससे भी ऊपर दोस्तों मैं अगर एस की बात करूं तो इतना नहीं होता है फोर टी मेरे हिसाब से मैक्सिमम या उसके ऊपर भी अगर आ गई हो तो वो अब उसमें आप इसको सर्च कर सकते हैं आ, दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कितने जीबी की लेनी चाहिए सफिशियंट कौन सी जीबी की नहीं लेनी चाहिए तो 128 ट्वेंटी एट में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको टू फिफ्टी सिक्स जीबी की एस को मैं लेने के लिए रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वन टीबी की परचेस करें और दोनों में मैं डिफरेंसेज भी बताऊंगा सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप टू फिफ्टी लेते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप अपना जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो भी आप अपना ओ है वो उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके कारण आपका जो बूटिंग जो एरिया होता है टाइमिंग होती है वो आपको देखने को अच्छी मिलेगी आपके जितने भी प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं जितने भी आप जो डॉट ए आप जो रन कर रहे हैं आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी अच्छे आपको हद तक स्मूथ देखने को मिलेंगे अब उसमें आप जैसे आपके फोल्डर्स हो गए आपके डाटा है आपके जो मीडिया फाइलें जो भी आपकी फाइलें हो गई हैं एक्स्ट्रा उनको आप एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव में रख कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं पर अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा वन टी की या उससे भी ऊपर आप ले सकते हैं सो वन टी में क्या होता है दोस्तों इसमें आपको कैश मेमोरी अच्छी देखने को मिलती है अब कैश मेमोरी क्या होती है इसमें मैं अगर बात करूं सो so देखो कैश मेमोरी होती है जैसे वन टी की कैश मेमोरी होती है टू हंड्रेड जी अब टू हंड्रेड जी का मतलब क्या कि अगर आप वन टी कि एस में डाटा ट्रांसफर करते हैं और वो 200 हंड्रेड के अंदर रहता है सो so वह आपको उस एस का पूरा ट्रांसफर रेट देखने को मिलेगा मतलब अगर कंपनी क्लेम करती है कि भाई मेरी एस में 500 हंड्रेड आपको ट्रांसफर रेट देखने को मिलेगा सो so वो आपको पूरा मिलेगा पर जहां आपने वो 200 हंड्रेड को क्रॉस किया वहाँ आपको ट्रांसफर रेट में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी पर इतनी कमी नहीं जितना कि वो हार्ड ड्राइव बन जाएगी ऐसा कुछ नहीं है पर हाँ थोड़ा सा आपको ट्रांसफर रेट कम देखने को मिलेगा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ये जानना कि कैश मेमोरी को बहुत अच्छे से देख लेना स्पेसिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आप एस खरीद रहे हैं और उसकी कैश मेमोरी क्या है जैसे अगर मैं बात करूँ दो सौ की एस में आपको बीस जी आपको कैश मेमोरी मिलेगी अब बीस जी तक आपने डाटा रख दिया अब अगर बीस जी के बाद डाटा गया तो उसकी जो स्पीड है थोड़ी सी लो हो जाएगी सो तो ये होती है कैश मेमोरी दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया हो कि एस और एच में क्या अंतर है और कौन सी हमें लेनी चाहिए और तो दोस्तों इसी इसी को चीज़ को लेते हुए मैं एक आ, आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं हालांकि ये कोरोना ख़त्म होने के बाद में मैं दिल्ली जाके समीर जी के साथ में एक सिस्टम को मैं मॉडिफ़ाई कराना चाहता हूं और समीर जी को काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में और उनके साथ रह के मैं एक अपने सिस्टम को एक मॉडिफाई करके एक अच्छा हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में लेना चाहता हूं ताकि मेरे जितने भी जो वीडियोग्राफी या जो मेरे जितने भी मैं वर्क करता हूं एंड्रॉयड से रिलेटेड सो so वो मेरे काफ़ी स्मूथली चले तो उस पर मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा सो so उसके लिए जरूर वॉच कीजिएगा मेरा चैनल और प्लस समीर जी का चैनल और ये हम जो डालेंगे वीडियो वो हम समीर जी के चैनल पर डलवाएंगे उस चैनल में हम आपको बताएंगे कि जो मैंने कॉन्फिग्रेशन मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए जो मैंने बजट सेगमेंट में मैंने और बजट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजट तक मैं गया हूं तो और किस हिसाब से जो मेरा कंसोल होगा वो किस किस तरह दिखाई देगा और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स मैंने यूज़ करूँगा और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए इस सर टेलीकॉम देवेदन अग्रवाल यूट्यूब चैनल और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी पूछना है एस डी के बारे में आप कमेंट पे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच अरे भाइयों एक बार मेरे साथ बोलो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच दो बार किया ये फेक बनना है बताओ तीन बार ऑन मोबाइल में बिल्कुल आपने किया है तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना डायग्राम के अच्छा रिंगर जिस का हमने पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है बिल्कुल चेंज हुआ आपका नाम क्या कहा है मनोज दिल्ली से इतना बड़ा शहर साउथ नॉर्थ दिल्ली इतना बड़ा आप छोटे से जबलपुर में सर मैं बता नहीं सकता ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है और सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिसे सीखना यहाँ पे आके सीखो मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा अगर सीखना यहाँ पे आके सीखो प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर एक एक पॉइंट जो छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर बिल्कुल और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर क्या बात है तालीम आजादी की का नजरिया पुरानी बात हो गई यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है क्या ही बात है तो बहुत बेरी बहुत ये तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए बोले एक बात है सर मैं भी प्रेशर हूँ आपको तो सर रात को बारह बजे भी पढ़ना होता है बारह बजे भी हमारा मैसेज जाता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट का बना के देना पड़ता है जो हमारे पास कुछ ओजर ही नहीं होता है जबकि नौ डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का इतने कम डिग्री में लोग कम्बल में घुस जाते हैं लोगो को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना ओजर के क्या बिल्कुल ये है ये मच An ISO nine thousand and one and two thousand and eight certified institute. Asia Telecom Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission nine six four four one three nine nine seven two. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.